अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम की सपनों की दुनिया। तो आज हम लोग बाहर आए हैं, आज हम लोग हम्माद के स्कूल आए हैं, आज मेरे बेटे हम्माद का ओपन हाउस है। तो चलिए देखते हैं हम्माद का आज रिज़ल्ट कैसा है। तो आज उसके स्कूल आए हैं और आप लोग उसकी स्कूल भी देख लीजिए। प्लीज़ वीडियो में बने रहें, एंड तक बने रहें। और देखिए हमज़ा भी है साथ में हमारे। तो चलिए चलते हैं हम्माद के स्कूल। देखिए ये स्कूल के बाहर का है, आउटसाइड एरिया का है। और यहाँ पे लाइन भी लगी थी, ये लाइन फीस की थी एक्चुअली। और फिर हम लोग स्कूल पहुँचे हैं और अंदर एंट्री कर रहे हैं हम लोग। हम्माद भी काफ़ी एक्साइटेड था, उसका रिजल्ट था, ओपन हाउस था उसका, और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी। जा रहे हैं, और हम्माद के स्कूल का नाम बान स्कूल है। बान स्कूल में पढ़ता है इंग्लिश मीडियम। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, अंदर एंट्री करने वाले हैं बस। देखिए हम क्लासरूम में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग ने रिज़ल्ट ले लिए हैं। और रिज़ल्ट लेने के बाद हम लोग नीचे आ चुके थे। और ये इसका पीटी यूनिफॉर्म है, और ये उसका यूनिफॉर्म है, स्कूल यूनिफॉर्म। फाइनली इस साल से इंशाल्लाह हम्माद यूनिफॉर्म पहनेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे यूनिफॉर्म नहीं था उन लोग का। और ये देखिए सब लिखा है। और हम लोग बाहर आ चुके हैं, और ये स्कूल की ग्राउंड है, उसके काफ़ी बड़ी ग्राउंड है माशाल्लाह से। मैं आपको घर पे जाके हम्माद का रिज़ल्ट दिखाती हूँ, ठीक है? मेरे साथ एंड तक बने रहें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और आपके साथ मैं एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। देखिए हम लोग बाहर आ चुके थे, और माशाल्लाह ना वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब आजू बाजू पूरे झाड़ लगे हैं, ट्रीज़ है बहुत सारे, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। पूरी सोसाइटीज़ बनी है वहाँ पर। तो हम लोग बाहर आ चुके थे, फिर हमने वहाँ से ऑटो ले ली, फिर अब हम घर पे आ गए फाइनली। देखिए माशाल्लाह अच्छा है उसका रिज़ल्ट, माशाल्लाह सब में उसको अच्छे ग्रेड मिले हैं। देखिए, और यहाँ पे देखिए हमज़ा देखो क्या कर रहा है। हमज़ा ए बाबा। और देखिए माशाल्लाह से एकदम फटाफट से स्पीड में भागता है, खड़े रहता है माशाल्लाह। माशाल्लाह से बहुत ही एक्टिव हो गया है वो, बहुत मस्ती करता है, बहुत चुलबुल है माशाल्लाह से। और देखिए यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी थी, और ये मेरे हफ्ते भर का बाज़ार है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बाज़ार था, और ये मेरे जेठ ने हमको ला कर दिए थे। एक्चुअली हमारा जो भी बाज़ार है ना, वही हमको ला के देते हैं, क्योंकि मैं तो जाती हूँ बाहर, बट ये मच्छी बिच्छी समझ में नहीं आती है। मीन्स पैसे भी ज़्यादा जाएंगे, और प्लस फ्रेश नहीं मिलेगा। और वो कैसे माशाल्लाह से वो कैसे मतलब है ना, वो अच्छा भी लाते हैं और सस्ता भी लाते हैं, और मतलब एकदम फ्रेश ताज़ी मच्छी रहती है, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो वो हिसाब से पहले से लेते आए हैं ना, तो अच्छे से समझ में आता है, तो हिसाब से वही हमको ला के देते हैं माशाल्लाह। इतना लाना भी बहुत बड़ी बात होती है, इतना सपोर्ट करते हैं। और जब भी जाएंगे तो हमको फ़ोन करके पूछते हैं क्या लाना है क्या नहीं, तो हम लोग बता देते हैं, तो माशाल्लाह हमारे लिए भी लेकर आ जाते हैं। तो देखिए आज मैं बना रही हूँ जीताड़ा, मच्छी का सालन बना रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने खोबरा ली हूँ, और उसको मैंने कट कर ली हूँ, फोड़ दी थी मैंने उसको, और यहाँ पे कट करके मैंने मिक्सी जार में डाल के ज़ीरा और लहसुन डाल के उसको मैंने पेस्ट बना ली हूँ। और देखिए माशाल्लाह से एक तवी में मैंने वॉश करके फिश डालकर उसमें जो मसाला हमने पीसे थे वो डाली हूँ, और साथ ही मैंने कड़ी पत्ता कोथमीर ऐड करी हूँ उसमें।
आप देख सकते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट मैंने इसमें नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड करी हूँ, और साथ ही मैंने ये नींबू भी ऐड की थी उसमें। मेरे पास एक्चुअली अम्बोसी नहीं है ना, इस वजह से नींबू ऐड करी हूँ। आप अम्बोसी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से हमने मिक्स कर ली थी उसको, उसमें तेल भी डाली थी और पानी भी डाल के अच्छे से मिक्स कर ली थी। देखिए हम ये कलस के सालन बनाते हैं, और दूसरी साइड में मैंने ये खिचड़ी चढ़ा दी थी, मैंने चावल और मूंग की डाल के ये खिचड़ी दूसरे गैस पे मैंने चढ़ा दी थी, और एक साइड में मैंने ये मच्छी के सालन का चढ़ा दी थी। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा यहाँ पे जेतड़ा मच्छी का सालन रेडी हो चुका है। देखिए बहुत ही यम्मी बना था सालन माशाल्लाह, और इजी और परफेक्ट बनता है ये, और सिंपल में बहुत ही यम्मी बना था, ठीक है। और आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे देखिए हमजा, हमजा हमजा ए हमजा, हम्मद भाई कहाँ है? हम्मद भाई, हम्मद भाई कहाँ गया? कहाँ है हम्मद भाई? कहाँ गए हम्मद भाई? कहाँ गए? और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।